हेलो गाइस, आई एम बैक। डिड यू मिस मी? खैर, मजाक बहुत हो गया। तो मैंने तो तुम लोगों को पहले ही प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आऊंगा तो बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। आप तुम समझ सकते हो, मुंह दिखा रहा हूँ यहाँ पे। लाइटिंग वाइटिंग अच्छी लगा रखी है, बिहाइंड द सीन में कभी बताऊंगा तुमको कैसे क्या कर रखा है, ठीक है। तो इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, PlayStation 2। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार भाई, अभी तो 2024 चल रहा है तो मैं PlayStation 2 का क्या करूंगा, PS5 आ चुका है। लेकिन मेरी बात सुनो, इसको अगर तुम्हें मोड कर रहा है तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट टेक अवेलेबल है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने खुद मोड कर रखा है। और अगर जैसे तुम्हारे पास PlayStation 2 है और ये काम नहीं कर रहा है, तो तुम शायद इसको सुधराने वाले के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई साहब गेम नहीं चल रहे, और तुम खजवा जाओगे कि अरे यार इसको पैसे देने पड़ रहे हैं और थोड़ा टाइम चलता है बाद में फिर वही हाल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है, इस वीडियो में मैं तुमको सब बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक। और हाँ, ये भी मैं बताऊंगा कि इसको जो मॉडिफिकेशन करना है, इसके अंदर जो मैंने क्या कह सकते हैं सैटा नेटवर्क अडेप्टर डाल रखा है, इसके अंदर मैंने कौन सा HDD कॉपी प्रोग्राम डाल रखा है जिससे कि ये ऑटोमेटिकली जितनी भी तुम्हारी गेम की फाइल्स हैं उनको कैसे रन कर सकता है, OPL को कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर तुम्हें कस्टम आर्टवर्क्स भी चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगा। इसके अंदर मैं HDD कॉपी के बारे में बात करूंगा, मैं WinHip के बारे में बात करूंगा, और उसके अंदर गेम हर बार इंस्टॉल करने के बाद रिपेयर कैसे करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, ये भी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और OPL के थ्रू तुम लोग कैसे इसे बस प्लग एंड प्ले कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हें उसका ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा जिसमें टाइम लगता है, बट ओवरऑल तुम्हें कोई खास ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी बताऊँगा कि तुमको उसको अपग्रेड करना क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें HDD डाल रखी है, और हल्की फुल्की नहीं, 256 GB की 6 GB/s की डाटा ट्रांसफ़र वाली मैंने इसमें SSD डाल रखी है। तो तुम सोच लो कि भैया कितना हैवी मोडेड है ये। तो चलो यार, अपने पड़ोसी की चप्पल बैलकनी से नीचे फेंको और शुरू करते हैं भाई। ओके, सो अगर तुम्हें लग रहा है कि PS2 के अंदर मॉडिफिकेशन कोई थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन। ये है तुम्हारा PS2 और ये है पूरी कैविटी जहां पर तुम अपनी HDD रख सकते थे। और मेरे हाथ में है इस वक्त एक IDE HDD, जिसको तुम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहले मुझे जरा PS2 साइड में रख लें, तो ये बहुत महंगा है भाई। इसमें यहाँ पर कनेक्टर पिन्स हैं और ये है पावर पिन्स। तो ये जो कनेक्टर पिन्स होती थी इससे कनेक्ट होता था, और ये है IDE अडैप्टर। मैं बताता हूँ, यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये पावर सप्लाई के लिए यूज़ में आता था, और ये है हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, एक तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती जितना सैटा चलता है, और इसके अलावा दूसरी बात ये कि जो HDD होती है इसकी कोई इतनी ज़्यादा लाइफ स्पॉन नहीं होता है, ये पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। और ये जो है ये इस तरीके से पूरा इसके ऊपर कनेक्ट होती थी और ये इस तरीके से इंस्टॉल होती थी। लेकिन वहीं पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इसका साइज मात्र 256 GB का है, लेकिन तुम यहाँ पर साइज कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में फर्क कितना है। तुम ये देख सकते हो यहाँ पे 256 GB लिखा हुआ है ऑब्वियसली। सो तुम दोनों का साइज कंपेरिजन देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी बल्की और हैवी है, और ये कितनी लाइट और ईजी टू यूज है, ठीक। अब इसको कनेक्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा स्पेशल सैटा नेटवर्क अडेप्टर। तुम ये देख सकते हो ये नेटवर्क और ये सैटा अडेप्टर है। मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बता देता हूँ। ये देख लो, ये आईडी ही और ये सैटा, दोनों का कंपैरिजन। अब ये जो है मुझे इसमें बस सिंपली कनेक्ट करना है, इजी टू कनेक्ट, और इसे मुझे इंस्टॉल करना है मेरे PS2 के अंदर। एक सेकेंड, सिंपली हो गई सारी चीज़, और बस इसे मुझे टाइट कर देना है, नॉट अ बिग डील। अब तुम लोग पूछोगे कि यार ये मुझे कितने का पड़ा, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो अडेप्टर ये मुझे 3,350 से भी ज़्यादा का पड़ा है। तो अगर तुम सच में इसको मोड करना चाहते हो, भैया सब तुम्हारे ऊपर है, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं। एक अडेप्टर आता है जो कि ये जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पर,
इसको इन दो सिस्टम को रिमूव कर देता है और इसकी जगह पर एक सैटा जो एडाप्टर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए चिप आती है। लेकिन तुम अपने रिस्क पे करना, इसमें मैं कोई सलाह नहीं दूंगा कि तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम कर लो, और तुम्हारे में खुजली ज़्यादा है तो इसको अपग्रेड कर लो, भाई तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें करना है। लेकिन एक चीज़ और, जो HDD है, ऐसे ही SSD भी अवेलेबल होती है। तुम चाहो तो SSD को भी तुम यूज़ कर लो, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि तुम SATA का यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। और जो मैंने बताई थी ना कि उसके अंदर ये HDD बहुत ईजिली फिक्स हो जाती थी। तो मैं ऐसा नहीं है कि वो जो कैप दी गई थी इसी फालतू में दी गई थी, ना, वो जगह दी गई थी सही वजह से दी गई थी, उसमें इतना गैप बनता है कि इसके अंदर ये आसानी से इंस्टॉल हो सके। अब तुम्हारे ऊपर है कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। अब चलते हैं अगले पार्ट में कि इसको हम इंस्टॉल करेंगे कैसे इसके अंदर की, ठीक है। ऑलराइट, तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास SATA SSD हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसे कहते हैं SATA to USB कनेक्शन, ठीक है। ये मुझे रैंस का मिला था, करीबन 350 समथिंग का मुझे पड़ा था ये। ये जो तुम्हारी SSD है तुम्हें इससे कनेक्ट करनी होगी और ये जाएगा तुम्हारे PC में। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि इसमें डाटा एलोकेशन करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो SSD के अंदर डाटा है तुम्हें और सेगमेंट्स बनाने हैं, बिल्कुल नहीं। जो ऑलरेडी इसके अंदर सेक्शन बना हुआ नहीं है वहीं से चीज़ें शुरुआत करनी है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसे कनेक्ट करना होगा और देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई डाटा एलोकेटेड तो तुमने नहीं कर दिया बाय मिस्टेक। अगर तुम नहीं कि नहीं ला रहे हो कोई बात नहीं, बट हाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक बार अगर तुम इसे PS2 में यूज़ कर लिया तो फिर ये PS2 के लिए रहेगी, उसका जो भी फॉर्मेट का डाटा फॉर्मेशन है वो फिर उसी में रह जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब तुम इसको कनेक्ट करोगे तो तुम्हें सबसे पहले HDD कॉपी ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो तुम्हारा ऑफिशियल डाटा जो है वो इसमें कन्वर्ट होगा। वैसे हो सके तो मेरे ख्याल से तुम्हें पहले WinHIP ओपन करना पड़ेगा, फिर उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के बाद स्कैन एंड रिपेयर, फिर उसके बाद HDD कॉपी को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक PS2 मास्टर बूट की तरह काम करेगी। फिर इसके बाद तुम्हें जाना होगा WinHIP के अंदर, फिर WinHIP जो है वो तुम्हारे जितने भी गेम्स हैं उनको तुम्हें एक बार फिर से डालने से पहले उसको स्कैन एंड रिपेयर करना पड़ेगा। फिर जब ये ऑटोमेटिकली स्कैन एंड रिपेयर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिवर बंद हो जाता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब तुम वापस WinHIP रन करोगे एस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हर बार तुम्हें दोनों जो भी तुम्हें प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ तुम्हें एस एडमिनिस्ट्रेटर करने पड़ेंगे। इसके बाद फिर तुम्हें क्या कहते हैं, जो भी अपने गेम की इमेजेस ISO फाइल से एड इमेज के नाम से तुम्हें फोल्डर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, तुम उसको रन करते जाओगे। पर अभी मैं ओवरऑल इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सब मैं कह रहा हूँ। तो WinHIP के अंदर जाके तुम अपने गेम की जो भी ISO फाइल है वो डाल सकते हो। हर बार जैसे इंस्टॉल होगी फिर तुम उसे हर गेम का इंस्टॉल होने के बाद तुम्हें स्कैन एंड रिपेयर करना पड़ेगा और सेव करना होगा उसका स्टेटस। फिर उसके बाद तुम्हें OPL, जब तुम्हारे सारे गेम्स हो जाए तब तुम्हें OPL में जाना पड़ेगा। तुम्हें OPL में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेगी, जैसे कि मॉडल कॉम्बैट शॉलिन मॉन्क है, उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज तुम्हें वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाता है, हाँ ये कोई बड़ी इशू नहीं है, प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर तुम्हारे को मैं कुछ और पर्सनल ऐसे ग्लिचेस है जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किए, जैसे कि God of War 1 और God of War 2 के अंदर अगर तुम पहले गेम रन करो फिर तुम मेमोरी कार्ड डालते हो तो मेमोरी कार्ड फाउंड नहीं होता, क्योंकि जब तुम God of War 1 या God of War 2 चला रहे होते हो तो गेम को ये लगता है कि यार सडनली अचानक जब डिस्क चलती थी तब वो मेमोरी कार्ड रन करता था। लेकिन यहाँ पर तुम मेमोरी कार्ड जो है गेम के रन होने के बीच में डाल रहे हो तो वो रजिस्टर नहीं हो पाती है। तो बेहतर ये रहेगा कि जाकर तुम God of War 1 या God of War 2 जैसे गेम खेल रहे हो तो जब तुम उसको बूट कर रहे हो तो बूट करते टाइम ही मेमोरी कार्ड को अंदर डाल दो, तो ये सब इश्यू नहीं होगी, तुम उसको कॉन्फ़िगरेशन से सुधार नहीं सकते हो, ठीक है। तो मॉडल कॉम्बैट हो गया, शॉलिन मॉन्क हो गया, जिसके अंदर तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज तुम्हें ऐसी किसी चीज़ के ऊपर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब आओ इसका हम PC में कनेक्ट करेंगे। PC में कनेक्ट करने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि उसको फॉर्मेट कैसे करना है थ्रू WinHIP,
फिर इसके बाद वैन हिप के बाद तो मैं कितने कैसे डाल लें। हालांकि मैं पहले बता दूँ इसके अंदर मैंने जो भी गेम डाल रखे जहाँ तक मेरे को ध्यान है मैं नाम बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये नहीं लगे कि यार मैंने पहले से ही बूट कर रखा है, तुमको ऐसे फिर से बता रहा हूँ। उसमें मैंने टोम रेडर एनिवर्सरी डाल रखा है, मॉरल कॉम्बैट शॉलोमॉन्ग, डेविल मे क्राई 3, फिर टेकन 5, प्रिंस ऑफ पर्शिया की ट्रिलॉजी, नियो कॉन्ड्रा, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, बैन 10, प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, फिर इसके अलावा गॉड ऑफ वॉर 2 डाल रखा है, ऑलमोस्ट इतने गेम डाल रखे। मॉरल कॉम्बैट शॉलोमॉन्ग शायद मैंने मैंशन कर दिया। सो यार ये गेम की लिस्ट है। अब मैं तुम लोगों के सामने कुछ 4 या 5 गेम डालूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे सामने गॉड ऑफ वॉर 2, नियो कॉन्ड्रा, फिर प्रिंस ऑफ पर्शिया की ट्रिलॉजी, ये हाँ, और एक मॉडल कॉम्बैट शॉलोमॉन्ग, उनके 5-6 गेम तुम्हें इंस्टॉल करके बताऊंगा और 1 by 1 तुम्हें देख के बताऊंगा कि हाँ यार ये इंस्टॉल कैसे हो रहे हैं, इसके आगे फिर प्रोसेस क्या है, और मैं बिल्कुल प्रॉपरली लाइव करके बताऊंगा। तो अभी मैंने जितना भी कुछ बताया है तुम्हें ये सब सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि ऐसा नहीं हो कि अरे यार हम कुछ कर रहे गड़बड़ नहीं हो जाए, ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसको अपने किसी सैटेलाइट अपने पीसी के अंदर कनेक्ट करो, नहीं भाई उल्टा और कुछ गड़बड़ कर देगा, ठीक है। बेहतर मेरी बात यही है कि तुम्हें इसमें की एक सैटेलाइट USB कनेक्टर ले लो, इसे देख लो एक बार अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो, ये इसे भाई यार लाइट्स आ रही, ओके ठीक है। HDD एंस क्लोजर रेंस का ये 350 का मुझे पड़ा था, तुम भी ले लेना ठीक है। अब अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो तो आओ कंप्यूटर में घुसते हैं हम लोग। ओके सो यहाँ पर मेरे पास जो डिवाइसेस हैं ये है डिस्क 0 जो कि ऑब्वियस सी बात है मेरे जो पीसी है उससे कनेक्टेड है, देख सकते हो। और ये जो डिस्क 1 है ये यूएसबी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये अनएलोकेटेड है तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आता हूँ मैं विन हिप के ऊपर, तो मैं विन हिप को करूँगा रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये यस पे क्लिक करूँगा तो ये रन एस एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। अब मैं ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ अपना PS2, ठीक है। ये 238 GB के तुमने देख रखी होगी। अब ये देख लो जितने भी गेम्स थे मेरे PC में वो सब PS2 में वो सब यहाँ आ चुके हैं। मॉरल कॉम्बैट, स्पाइडरमैन, फ्रेंड ऑफ फोर, नियो कॉन्ट्रा, प्रिंस ऑफ पर्शिया की जो भी ट्रिलॉजी थी ये असल में क्या है कि जो मैंने ऑर्डर इंस्टॉल करने में लिया था ये अल्फाबेटिकल नहीं है। तो अब मैं इसको करूंगा फॉर्मेट ड्राइव, ठीक है। ये क्विक है, ये तुम स्टेटस देख सकते हो कि कैसा क्या करना है। अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ और इस पे यस पे क्लिक करूंगा जिससे कि पूरा ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। और ये कह रहा है कि फॉर्मेट प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, सो ओके क्विक इरेज हो चुका है। अब मैं आता हूँ ओके यूटिलिटीज पर, स्कैन रिपेयर PS2 ड्राइव, ड्राइव 1, और मैं इसे रिपेयर कर रहा हूँ और सेव। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और मैं जाऊँगा PS2 HDD लोडर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मेरे को PS2, अब ये HDD कॉपी जो है ये विनहिप यहाँ पर भी आया था लेकिन मैंने एक अलग से डाउनलोड कर रखा है। मुझे इसे राइट क्लिक करना है, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अब ये मुझे बताएगा फाइल रो HDD, तो यहाँ पर जो IMG फाइल है, ठीक है, मैं रो HDD एडेप्टर में यहाँ पर जाके देखता हूँ। ये दिख रहा है तुम्हें रो HDD OST100J88DP DTL H Fix 48 bit apps.img, इसे क्लिक करूंगा और इसे कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। अब अबे यार ये कहाँ टक गया, ओके हाँ, ये जो USB M Micron Genetic है जिसमें मुझे इंस्टॉल करना है इसके बारे में, सॉरी मैं बीच में थोड़ा टक गया था। तो ये बस मॉडल में इंस्टॉल करना है, ये मेरे मेन ड्राइव में इंस्टॉल करना है, या फिर ये जो USB से कनेक्टेड है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जो 256 GB की है, कंटिन्यू। और ये जो है जो डाटा है इसमें इंस्टॉल करना शुरू करेगा और मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और ये डाटा जो है अब यहाँ से ये करना शुरू हो गया। बीच बीच में सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। यहाँ पर अब हमारी सारी चीज़ हो चुकी है, अब हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ से वापस जाएंगे हम लोग विनहिप के अंदर। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। अब मैं यूटिलिटीज में जाके स्कैन रिपेयर ये गया रिपेयर, अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे चेक नहीं था सेव, ओके।
अब मैं यहाँ पे तुम्हारे को कुछ गेम्स डाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या कहा गया, हाँ ड्राइव डी के अंदर मैंने PS2 को लेकर पूरा फोल्डर बना रखा है, ये रहा PS2। अब प्लेन 10 की, अब मैं यहाँ पर मेरा वाइस सिटी नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर डालूंगा पहले गॉड ऑफ वॉर, ओपन स्टार्ट। ये सब पूछ रहा है कि क्या क्या स्टेटस रहेगा एक्सेट्रा, मैं सब बस ओके कर दूंगा और अब ये रन होना शुरू हो चुका है। बॉइंग 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 बॉइंग, और तब ये कंप्लीट होने वाला है, और जैसे ही कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, आई मीन PC नहीं, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट, सो अब ये ऑटोमेटिकली जैसे ही राइटिंग फुल पार्टीशन टेबल होगी ये बंद हो गया। ठीक है, मुझे इसे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर फिर से ओके। अब मुझे ये ड्राइव सिलेक्ट करनी है, अब इसमें कोई गेम नहीं बता रहा, लेकिन यूटिलिटीज में जाकर स्कैन एंड रिपेयर PS2। अब मैं रिपेयर करूँगा, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो HDL God of War 2 आ चुका है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, तो जैसे ड्राइव में सेव करूँगा यहाँ पर मैं सिलेक्ट ड्राइव में जाऊँगा और ड्राइव वन, ये ऑफिशियली God of War 2 जो है ये इसे ले लिया है। अब मैं और अपने गेम की फाइल्स स्टोर करूँगा इसके अंदर। 10 minutes later. Alright, अब हम इसे लास्ट टाइम ओपन करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी ड्राइव है इसे हम रिपेयर करेंगे। अरे यूटिलिटीज स्कैन एंड रिपेयर PS1 PS2 रिपेयर, और यहाँ पे आ गया था 2 thrones, और अब हम इसे सेव करेंगे। Alright, सो अभी अभी मुझे एक चीज़ ध्यान में है कि अगर तुमने जो फाइल है उसकी आइडिया का सही से नहीं ले रखी है, मैं बता देता हूँ मैं आईडी से मेरा मतलब क्या है। OPL में गए, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। सो तुम यहाँ देख सकते हो कि क्या है, फक बार बार ओपन होता है लेटर। तो जैसे कि मॉडल कॉम्बैट शोनन मोंको की यहाँ पर जो आईडी है यहाँ पे 2.187 है, जो कि ऑब्वियसली बात है सही है, लेकिन मुझे जरा से रिफ्रेश कर लें दो। मैंने अभी हाल इसे हटाया है अपने ड्राइव से, तो ये जो ड्राइव है यहाँ से मैंने अभी गायब कर रखा, तो जब मुझे इमेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ से इमेज सिलेक्ट करूँगा, और स्टार्ट करने से पहले ये मुझे बता रहा है 2.11.89, जबकि यहाँ OPL में बता रहा है /21087, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी स्लश आईडी करेक्ट की थी बट मैं वो मेंशन करना भूल गया। तो जब तुम यहाँ पर हो तो 0 और 7 ये मैच कर रहा है, ये /07। अब मुझे इसे ओके कर देना है और अब ये स्टार्ट होगा, और जब तक स्टार्ट हो रहा है मैं तब तक तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये एक पूरा पेज है जो तुम्हें बताता है कि अगर तुम्हारे जो टाइटल्स हो वो रन नहीं कर रहे OPL में, तो हो सकता है तुम्हारे जो स्लश आईडी हो वो करेक्ट नहीं हो, इसकी वजह से वो मैच नहीं हो पा रही, क्योंकि विन ही अलग तरीके से देखते हैं। तो जो मॉर्टल कॉम्बैट शोनन मोंको के अंदर ग्लिच वाइट स्क्रीन पर पैथ आती है, तो यहाँ पर /210.87 है ये आता है। तो अब देखते हैं हमारा ये जो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आगे की बात करूँगा। ओके, अब विन है बंद हो चुका है, मैं फिर से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। ओके, यूटिलिटीज स्कैन रिपेयर PS2। ओके, यहाँ पे मॉडल कॉम्बैट नहीं है तो मैं इसे रिपेयर करता हूँ, और ये मॉडल कॉम्बैट शोनन मोंको आ चुका है, सेव इट, एक्सिट। अब मैं जो OPL है मैं इसके अंदर जाता हूँ, लोकल गेम गेट गेम लिस्ट, और अभी आ चुका है तो स्लैश पॉइंट आ चुका है एडिट कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं ये जो दिख रहा है ना एडिट कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्लेयर 2, वी मोड, PAL, एस्पेक्ट स्टैंडर्ड 4:3 और मोड 5, हाँ ये मोड 5 ज़रूरी है, HDD, ETS और USB। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरा रिकॉर्ड बंद कर रहा हूँ, और अब मैं इसको PS2 को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो अब हाँ मैं जानता हूँ रिसर्च का सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने इधर PS2 कनेक्ट कर लिया है और मेरे पास कंट्रोलर है, तो जैसे मैं स्विच दबाऊंगा मेरे को इसे R1 और सर्कल दबा के रखना है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये जैसे स्क्रीन आ गई, ठीक है। अच्छा तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा है, अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ इट। तो अभी मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँगा, और
अब तुम देख सकते हो जैसे कि मैंने अपने मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर रखी है, अब मैं जाऊँगा HDD के अंदर और HDD में जाऊँगा सीधा OPL के अंदर, ओपन PS2 लोडर। ओके, एक चीज़ पहले बताता हूँ कि जैसे ही जब भी तुम फॉर्मेट करो, सबसे पहले जब भी तुम OPL को इंस्टॉल करो या फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले तुम्हें सेटिंग में जाना है और ये HDD डिवाइस स्टार्ट मोड है, इसे रखना है तुम्हें ऑटो पर, अदरवाइज तुम्हारे गेम के अंदर तुम कुछ भी कर लो ये सिलेक्ट नहीं होगा। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, इसे ऑफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे ओके करके पीछे जा रहा हूँ। अब मैं गेम लिस्ट के लिए सर्कल दबाते रहूँ, लिस्ट नहीं आएगी, इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा, HDD डिवाइस स्टार्ट मोड, ऑन सीधा ऑटो और ओके। अब मैं सर्कल दबाऊंगा तो ये मेरी गेम लिस्ट आ गई, ठीक है। अब मैंने पहले मेमोरी कार्ड लगा रखी है तो मैं इसको अभी एक बार का बूट कराऊँ, उसके बाद एक और बार बूट करूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ गॉड ऑफ वॉर 2 का, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि गॉड ऑफ वॉर 2 के अंदर ग्लिचेस आते हैं, तो मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा कॉन्फ़िगरेशन, मेरी बहन ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। अब मैं लोड में जाऊंगा और मैंने यहाँ पर देख सकते हैं टेंपल ऑफ यूरियल या कह सकता हूँ जो भी, मैं यहाँ तक मैंने सेव कर रखा है ईस्टर्न रैम्पर्स तक, ठीक है। अब ये लोड कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब गेम ही लोड करेगा उस पोजीशन पे जहाँ पे मैंने खेल रखा था। अब अभी 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 रुको अभी रुको, अब मैं स्टार्ट करूँगा तो ये बता रहा है कि मेरे पास मेमोरी कार्ड है अभी, ठीक है। अब मैं नो पे क्लिक करता हूँ और मेमोरी कार्ड जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड रिमूव कर दिया, तुम लोग देख सकते हो। तो मैं इसे वापस प्लग इन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये रहा मेरा क्या कह सकते हैं कंट्रोलर का स्विच और ये रहा मेमोरी कार्ड, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ मेरी टेबल बहुत गंदी रहती है, सॉरी। और जब मैं R1 दबाऊँगा तो ये बताएगा कि यहाँ पर कोई मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बूटिंग के टाइम ही इसको अगर मेमोरी कार्ड मिलती है तो ये आइडेंटिफाई करता कि हाँ इसके अंदर मेमोरी कार्ड है, अदरवाइज बाबा जी का ठुल्लू है। अब मैं इसे फिर से बूट करूँगा और एक बार फिर से स्टार्ट करूँगा तुम्हें एक और ग्लिच के बारे में बताने के लिए। ओके, तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें शॉलिन मॉन्क्स का बता रखा था, मैं इसकी गेम सेटिंग्स में जाऊँगा ट्राइंगल दबा के और यहाँ पर सारी डिटेल्स इसकी आ चुकी है कि कौन से मोड में चल रहा है कौन से एनिमी, हालांकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो पता नहीं चल रही, लेकिन देखो तुम राइट साइड में देख सकते हो /O210.87, ये इसकी ऑफिशियल स्लश आईडी है और ये 4:3 के रेशियो में चलता है। इसलिए अब मैं जैसे स्टार्ट करूँगा कॉन्फ़िगरेशन लोड होंगे इसके, कि इसके कॉन्फ़िगरेशन मैंने एग्जैक्टली क्या कर रखे थे, और अब तुम देख सकते हो कि ये गेम स्टार्ट हो चुका है। अदरवाइज ये गेम है ना बहुत बार क्रैश करता है, कई बार वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाता है। तो गेम स्टार्ट हो चुका है, अब देख लो कैसा क्या है, लोड गेम में भी जा सकते हो तुम आराम से। ये जो भी मेरे सिस्टर और मैंने अभी फॉरेस्ट में रेप्टाइल का करके बैठे हैं, तो इतना जो है तुम लोग देख सकते हो कि इतना यहाँ तक हम लोगों ने क्या कह सकते हैं सेटिंग करके रखी, इसकी वजह से गेम चल रहा है। अगर फिर भी तुम्हारे पास कुछ ग्लिच आते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं थोड़ा आउट्रो की तरफ चलता हूँ क्योंकि मुझे तो मेरी टीवी ने औकात दिखा दी, मेरा मोए मोए मोमेंट हो गया, इस वजह से भैया मुझे वापस कंप्यूटर पे आना। वैसे हाँ एक अपडेट भी आता है ये वाला, तुम खरीद सकते हो, बहुत बढ़िया है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, बट एक चीज़ तुम उसके लिए HDMI टू USB अडैप्टर भी लेना पड़ेगा। खैर चलो ख़त्म करते हैं वीडियो को। आई होप तुम्हें यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा हो तो कोई बात नहीं लाइक मारो नीचे, अभी नए आए हो तो कमेंट में थैंक यू बोल दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो हमने किसी भी नर टाइप के दोस्त को शेयर कर दो, क्या पता वो तुम्हारा ही काम कर दो फोकट में। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और सॉरी मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लेकर आया हूँ, बीच में थोड़ा गला भी ख़राब हो गया था, घर का माहौल भी ख़राब हो गया था, कहने को मेरी टीवी भी ख़राब हो गई थी, मेरा घुटना जो 10 साल से ख़राब है वो और फिर से ख़राब हो गया था, मौसम भी ख़राब हो गया था,
हमारा बीच में पेट भी खराब हो गया था, लेकिन जो भी था कुछ ना कुछ तो खराबी हो गई थी, सर से वीडियो नहीं आया आ पाया, बहुत देर लग गई। तो उसके लिए भी अपन क्या कह सकते हैं भाई, जो होना तो हो गया। खैर, अगर तुमको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तुम्हारे जेब में थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कुछ है तो QR कोड दिख रहा है यहाँ पे, स्कैन करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि लिटरली यार मैं तुम लोगों के लिए ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँ, वीडियोस भी मतलब अच्छी क्वालिटी के वीडियोस लाऊँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हारा बनता भी है, ऑब्वियस सी बात है। और मैं कोशिश और करूँगा अच्छे वीडियोस लाने की, क्योंकि मेरे साथ होता है कि कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे मिलते नहीं है, फिर जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं उनमें टाइम देना पड़ता है, फिर तुमको मालूम भी ऑलरेडी मैं गेम पे काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यहाँ अब तक जुड़े रहने के लिए, आज के लिए बस इतना ही, बाय।